महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर राज जारी है और अब ये मामला फिर 24 घंटे के लिए टल गया है और माना जा रहा है कि फडणवीस सरकार को कहीं ना कहीं ये 24 घंटे की मोहलत मिली है। लेकिन तीनों दल लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अब और वक्त नहीं, अब फ्लो टेस्ट होना चाहिए क्योंकि और समय यहां पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित जी, 24 घंटे की और आपको मोहलत मिल गई है, कितना फायदा उठा पाएंगे इस 24 घंटे का? फायदा उठाने की तो कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास बहुमत है, हम लोग तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए करने को, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। हमारे पास समर्थन है, हमारे पास चीजें हैं। आप देखो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी आज पदभार संभाल लिया जाके वहाँ, तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं। हमें कोई, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो उन तीनों दलों में भी नजर आ रहा है और समर्थन पत्र भी, हालांकि उन्होंने चिट्ठी वापस ले ली, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास एमएलएज हैं और हम जल्द से जल्द। तो आप वक्त क्यों मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तैयार है तो नहीं, वक्त हम, अब वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला रिजर्व कर लिया है। अब वो कल बताएंगे सुबह 10 बजे की कितना वक्त है कितना नहीं है, पर हम चूंकि गए हैं सुप्रीम कोर्ट तो हमें बोल रहे हैं ना, आप तो वक्त की डिमांड कर रहे हैं ना, तो हम तो बोलेंगे ही ना। ठीक है, पूरा सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए तो अच्छा रहेगा उसमें। लेकिन आपकी, आप कह रहे हैं कि तैयार हैं, लेकिन तैयारी के बाद भी क्यों समय मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं तैयार है, तो फिर आप भी वही डिमांड कीजिए और शायद कोर्ट को भी आसानी हो जाएगी फैसला लेने में। आप दलीलें रख रहे हैं इतनी तरह की कि पूरी प्रक्रिया के साथ हो, तो तैयारी है तो फिर क्यों? अभी ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, भाई देखो फ्लोर टेस्ट कहाँ होगा? फ्लोर टेस्ट कोई कोर्ट में जाके तो होना ना है नहीं, फ्लोर टेस्ट तो विधानसभा में अंदर ही होना है। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो ये चीजें, कर्नाटक जो पहले भी सवाल उठ चुके हैं वहां पर क्यों नहीं दिखी? खैर अकरम जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं, मनोज जी का कहना है वो तैयार हैं और हालांकि फैसला जो है कल आएगा उसी पर निर्धारित होगा, आप तैयार हैं? देखिए, फ्लोर टेस्ट के लिए पहले ही उन्होंने टाइम मांगा, अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमें तो टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही असंवैधानिक काम होंगे, खरीद फरोख्त होगी, बेईमानियां होंगी, धोखाधड़ी, धमकी, केस और ईडी सब का दुरुपयोग किया जाएगा। अभी हमने देखा था हरियाणा के अंदर, जब बहुमत नहीं मिला तो खट्टर जी जो बहुमत जुटाने के लिए जो मीटिंग कर रहे थे वो अपने विधायकों के साथ नहीं कर रहे थे, बल्कि ईडी के डायरेक्टर थे उसके अंदर, सीबीआई के डायरेक्टर थे उसमें, डीजीपी बैठे हुए थे। भला बताइए इनसे कौन सी मीटिंग होगी? और मीटिंग में ये डिसाइड हो गया 2 घंटे के अंदर अजय चौटाला जी छोड़ दिए जाएंगे और हमें समर्थन दे दो। इस तरीके से ये समर्थन जुटाते हैं, ये देश में बड़ा गंभीर है। अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे अब नैतिकता की बात न करें, अगर नैतिकता की बात नहीं होगी तो देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। भले ही बेईमान लोग हैं, हमने बड़े बड़े डकैतों को हमारी परंपराओं ने सुधार दिया है। वाल्मीकि का नाम सुना होगा, बड़े डकैत थे, बड़े कत्लेआम करते थे, लेकिन सुधार दिया था। हम ये चाहते हैं जो सरकार में बने हैं वो कम से कम सही राह पर आ जाए और देश को चला दे, नैतिकता की बात होना बहुत। मनोज जी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जनादेश का अपहरण है। ये तथ्यहीन बातें हैं, ये सब कही सुनी बातें हैं। क्या वाल्मीकि नहीं कर रहा हूँ, हम इतिहास की बात, वाल्मीकि जी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री सीबीआई के साथ मीटिंग कर रहे थे, डीजीपी के साथ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसके प्रूफ दे सकता हूँ, ईडी के साथ मीटिंग कर रहे थे, जी ने ईडी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग करी है बैठ के। किस लिए मीटिंग की है, क्या डिसाइड कर, बहुमत जुटाने के लिए? अरे बहुत फर्क पड़ता ना, दो घंटे में अजय चौटाला कैसे छोड़ दिया, मुझे बता दीजिए, जिसको 5-6 साल से पैरोल ना मिली हो, 2 घंटे में पैरोल कैसे मिल गई, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कैसे हो गया, डायरेक्ट शपथ ग्रहण में कैसे पहुंच गए वो, आप जरा जवाब दे दीजिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पिताजी हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम के पिताजी पहले आपके साथ हाथ मिला लिया तो व्यक्तिगत है। ऐसे तो गोपाल कांडा भी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आया, तो वो क्या बीजेपी ने दे दिया उसको? गोपाल कांडा किसने बुलाया था? अरे गोपाल कांडा घर के लोगों ने, अरे आप बताइए, गोपाल कांडा विरोध करना शुरू कर दिया और कोई तब जाके उससे पीछे छुड़ाया। कोई आदमी अपने पैसे से अगर चार्टर्ड प्लेन से कहीं जाता है, पैरोल देना कानूनी लोगों का काम है। ये बताइए ना मनोज जी की आखिर, देखिए आप अभी तक तो फॉर्मूले में ये था कि आप एनसीपी से समर्थन ले रहे थे और वैधानिक तरीके से लग भी रहा था कि भाई आप एनसीपी और आपका गठजोड़ मिलकर संख्या पूरा हो रहा है, लेकिन अब एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ नहीं है, तो अगर मान लीजिए तो अब आखिर क्या फॉर्मूला है, वो प्लान भी क्या है भारतीय जनता पार्टी का, थोड़ा उसको, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। वो सब भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो तो सब आखिर देखिए डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसका मतलब देखिए
इसका मतलब तो फिर आपको तोड़फोड़ ही करना पड़ेगा ना मनोज जी, और विकल्प क्या है? मतलब अगर जी जब 170 विधायकों का वह समर्थन पत्र दिया गया, 12 विधायक वहां गए परेड करके आए, उन्होंने बोला कि हम बीजेपी के फेवर में हैं और चीजें चल रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं भाई। एक प्रक्रिया खत्म हो गई, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, राष्ट्रपति शासन भी हटा दिया गया, इतनी इमरजेंसी क्या हो गई थी आपको, वो ये सवाल कर रहे हैं। इतनी इमरजेंसी आपसे जवाब लेना चाहते हैं हम कि इतनी इमरजेंसी क्या हो गई, प्रक्रिया के तहत कर लेते, सुबह तो होने देते ना। सुबह 8 बजे हुआ, सुबह 8 बजे साढ़े 5 आपने राष्ट्रपति शासन हटवा दिया। नहीं, राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया इतना सुबह सवेरे, लोगों की आंख भी नहीं खुलती है, आधे लोग तो 10 बजे सो के उठते हैं। फैसला लेना है, जो भी कोई फैसला लेना हो गवर्नर के थ्रू लिया जाएगा। आपकी रात की नींद भी गुम हो गई अंशिमा जी। जो भी कोई फैसले लिए जाएंगे वो गवर्नर हाउस से लिए जाएंगे। जब हमें लगा कि हम देखो पिछले 15 दिन से बीजेपी कांग्रेस एनसीपी और क्या नाम शिवसेना, तीनों लोग मंथन में लगे हुए थे, तो मंथन कर तो प्रोग्राम बना रहे थे, ऐलान भी कर दिया था कि हम अपने उद्धव ठाकरे हमारे सीएम होंगे, सहमति बन गई है, लेकिन रातों रात आपने नहीं, फिर क्यों नहीं गए? हमने क्या रोका उनको, कल तक उनको टाइम, आपको पता है कि वो कह रहे थे कि हमारी सहमति बन गई, और इनकी सहमति किस बात पे बन गई? अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया जनता के सामने कि क्या सहमति बनी। अभी यही झगड़ा चल रहा था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, होम किसके पास रहेगा, मलाईदार कहां जाएंगे? पोस्ट लेने के लिए आपने शिवसेना से बिगाड़ लिया, और आप हमें ये बात बोल रहे हो? हमने शिवसेना से बिगाड़ा, ये तमाम जल तो दावा ठोक रहे हैं आप लोग, संजीव जी मैं आपसे इस बात पे बिगाड़ी, आप उद्धव ठाकरे जी के पुत्र को आप सीएम पद नहीं दे सकते? अरे 22 साल के जिसको अनुभव नहीं है उसको डिप्टी चीफ, उद्धव ठाकरे जी का ऑफर कर देते कि उद्धव ठाकरे जी को बना देंगे, छोड़िए इनकी उम्र कम है, क्या वो ऑफर करा आपने उनकी? देखिए आप लोगों की लड़ाई तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप लोग दावा जरूर ठोक देंगे, एक दूसरे पर आरोप भी लगा देंगे और ये खत्म नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि सारी बहस का लब्बो लुभाव जो है जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सारे लोग दावे ठोकने में लगे रहेंगे। कैसे पास करेंगे मनोज जी? ये तो बारह अगर सवाल खत्म नहीं हो जाते। सवाल ये है कि क्या इससे पहले ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको जानकारी थी कि आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री वहां शपथ लेने वाले हैं अभी 8 बजे? आपको जानकारी नहीं? कौशिक साहब, ये देश साहब राजनीति कर रहे हैं आप, यहाँ पे ईमानदारी बेईमानी का चैप्टर ही नहीं है कोई। आप मुझे बताइए ना, कुर्सी की ताकत सबके साथ है, जिसके पास कुर्सी उसका क्या डर थी, किससे डर रहे थे आप? ऐसी क्या नौ बता गई कि सुबह हमें 6 बजे से आपको पौने 6 बजे सवाल तो यही है, सिर्फ यही सवाल है, और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, हम सत्ता के लिए नहीं, हम प्रदेश के विकास के लिए लड़ाई थे, 5 साल तो आप ही थे पहले। कौशिक साहब किसान मर रहा है, वहाँ कोई डिसीजन लेने वाला है नहीं, और जो चीज जितनी जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। किसके राज में मरा, आपकी सरकार, तो आपको अच्छी सरकार बनने दो ताकि किसानों को बचा। सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल आप ही से किए जाएंगे। किसानों की एक महीने का वक्त क्यों लगा, रातों रात ही क्यों समझ में आया कि हाँ किसानों की चिंता हो जानी चाहिए, और रातों रात ही पूरा तय होके और सुबह सुबह आपने अपने मंत्री को शपथ भी दिलवा दी। मां जी जब हमारे पास बहुमत नहीं था, आपको याद आया, हमने गवर्नर साहब से मना कर दिया था कि हमारे पास संख्या नहीं है और हम नहीं बना सकते, और आप किसी और का मौका दे दीजिए, ठीक है? किसी और को मौका दिया, उन्होंने सहमति बना ली, चलो उसमें देर हुई, खुद ही मना कर दिया, जनता ने मना किया, कांग्रेस ने मना किया, सबने मना कर दिया। 8 बजे का टाइम था शरद पवार जी का मिलने का गवर्नर से, वो तक कैंसिल कर दिया। बताइए गवर्नर रूल सवाल कर रहे लगाने पे भी संविधान का उल्लंघन, गवर्नर रूल हटाने पे भी संविधान का उल्लंघन, कैसे 2 घंटे के अंदर वहां राष्ट्रपति शासन? जब आप ही ऐसा करेंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे, जनता के हित कैसे बात करेंगे आप? मनोज जी आवाज नहीं आई, जरा दोबारा रिपीट करो। ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमने तो पूरी सहमति बन गई थी, हमने जानकारी भी दे दी थी, रात रात का तो वक्त था ना सर, उसमें आपने अपना कहा सहमति बन गई, आप ही बताइए। सरकार तो आपके चैनल पे लगातार बात हो रही थी, सेना एनसीपी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। थोड़ा सा आराम दीजिए गले को, मैं संजीव जी से समझ लेती हूँ। संजीव जी यहाँ पर जो तीनों दल है वो ये कह रहे हैं कि जनादेश का कहीं ना कहीं अपहरण हुआ है, 12,000 से ज्यादा किसान
किसान सुसाइड कर चुके हैं, और अब ऐसे में ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में कर्नाटक जैसी स्थिति को रिपीट कर रही है बीजेपी, क्या वाकई ऐसा? मुझसे सवाल है जी, आपसे समझना चाहते हैं। नहीं देखिए, हकीकत यह है कि सरकार गठन में जो प्रक्रिया अपनाई गई निश्चित तौर पे वो संदेह के घेरे में है, और जिस तरह से राजभवन का इस्तेमाल किया गया तकनीकी तौर पर ये बिल्कुल सही हो सकता है कि वो गलत नहीं है, उन्होंने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरह से वो डंडी मारने वाली जो बात है हम लोगों की भाषा में, उन्होंने कहीं ना कहीं डंडी मारी है। यदि सब कुछ ठीक ठाक था तो वो सब कुछ दिन के उजाले में होता, आपको समय ही समय था आपके पास, तो जो प्रक्रिया अपनाई गई वो संदेह के घेरे में है, जिसके वजह से इस तरह की बात हुई। और आज भी केवल यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात थी तो यही एकमात्र वजह था कि पूछा जाए या कहा जाए कि जल्द से जल्द यदि टेस्ट करने की बात हो फ्लोर पे कि आपके पास कितने बहुमत है, हमारे पास कितने, वो क्लियर हो जाए। लगातार कल परसों शाम से ही हम देख रहे हैं सारे टीवी चैनलों में ये पूछा जा रहा है एनसीपी से कि आपके पास कितने विधायक है, कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने हैं, यहां तक कि शिवसेना से भी पूछा जा रहा है, लेकिन कोई अजीत पवार का गला पकड़ के ये नहीं पूछ रहा है कि आपके पास कितने हैं, आपने कैसे मंत्री का शपथ ले लिया। तो ये वो स्पष्ट कर नहीं रहे, बार बार ये बताई जा रही है कि नहीं हमारे पास पेपर थे साइन किए हुए थे। सवाल हो रहा है कि चिट्ठी आखिर है कहां? हाँ चिट्ठी थी, और नहीं चिट्ठी उन्होंने शामिल किया है, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने शामिल किया है चिट्ठी, और वो वैध एक तरह से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ भी सवाल किया जा रहा है कि वो बच्चे नहीं है जो विधायक है ऐसे साइन कर दिया, कई बार ऐसे होता है कि कई दूसरे मामले में अटेंडेंस के मामले में साइन किए जाते हैं, उसका दुरुपयोग, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया, साइन तो है इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन आज भी यदि इनके खेमे में 54 है केवल एक वो नहीं है तो फिर वो कैसे बने रह सकते हैं, सवाल यही है। तो जितनी जल्दी हो, हालांकि इसके लिए एक प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे के अंदर में या आज ही शाम में ये पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेते और देख लेते कि आप बहुमत में हैं या नहीं है, उसके लिए जो प्रक्रिया उसमें समय लग रहा स्वाभाविक है, और अंतिम विकल्प मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से भी अंतिम विकल्प यही दिया जाना है, एक समय देकर के इतने दिनों के अंदर में आप इसको फाइनल कीजिए कि आपके पास यदि है बहुमत तो आप रहिए। ये जो आपने कहा कि राजभवन के सामने तीनों पार्टियों के परेड की बात, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि एक संभावना ये भी है कि जम्मू कश्मीर वाली बात जो दोबारा दोहरानी दी जाए, यदि यहाँ पे ये अल्पमत में आते हैं या सरकार इनकी जाती है तो हो सकता है इस बात की संभावना हो कि एक नई खेल खेल दी जाए, इसलिए पहले से ही इन लोगों ने एक सचेतक के रूप में एक लेटर दिया है कि नहीं हम लोगों के पास इतनी संख्या है ताकि इस तरह की नौबत ना आए। देखिए इसमें एक चीज जो कौशिक साहब बोल रहे हैं बिल्कुल उसी में खाली एक चीज में जोड़ रहा हूँ, कार के द्वारा अपने आप में ये काम कहना, कोर्ट से ये डिमांड करना कि 14 दिन हमें चाहिए, तो ये बहुत ही एक मतलब संवैधानिक दृष्टि से सोचा जाए तो एक काफी एक आश्चर्यजनक सा डिमांड है ये कोर्ट में, क्योंकि देखिए जब यही इसी तरह के मामले आप अभी कुछ दिन समय पहले जब कर्नाटक में चल रहे थे तब तो आप कह रहे थे कि जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे जल्द से जल्द जो है कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा था, वहां पे स्पीकर उस मामले को देखिए वो भी गलत चीज था कि स्पीकर उस मामले को लंबे खींचे चले जा रहे थे, वो डिबेट ही पूरा नहीं हो रहा था तो वो भी गलत चीज था, और जिस तरह से यहाँ पे भी हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए इस मामले का जो समाधान है वो समाधान अब यही है कि त्वरित तौर पर फ्लोर टेस्ट के समयावधि को कम किया जाए। देखिए असीमा जी सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि जब भी कभी भी किसी सरकार को निमंत्रण दिया जाता है तो हम लोगों के पास बिल्कुल एक स्पष्ट समय होता है, कोर्ट के माध्यम से आज ये पता चल रहा है कि 14 दिनों का समय रखा गया है, यानी कि 7 दिसंबर तक का समय रखा गया है, ऑफिशियली राज्यपाल के द्वारा पहले से कोई भी सार्वजनिक चीज नहीं था, और एक 30 नवंबर का हल्ला मचा हुआ था वो भी अलग अलग पार्टियों के माध्यम से कि 30 नवंबर तक का है 30 नवंबर तक का है, तो हम लोगों ने ऐसे कितने ही घटनाक्रमों को देखा है लेकिन कहीं पे भी ये चीज नहीं हो रहा था कि राजभवन जहाँ पे जब भी वो किसी को सरकार बनाने के लिए देता है तो एक तय तिथि सार्वजनिक तौर पे स्पष्ट होती है, वो मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट से पता चल रहा है। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है, पारदर्शिता के उन मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए वो भी उस पार्टी के द्वारा जो चाल चरित्र और चेहरा का एक तरह से नए ढंग से राजनीति को चलाने की बात करती है। देखिए कई चीजें वैधानिक रूप से सही हो सकती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशिक साहब, लेकिन एक तरह से राजनीतिक सुचिता भी कोई चीज होती है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों को राजनीतिक सुचिता जो है कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। राहुल जी 30 तारीख आपको कहां से पता चला कि 30 तारीख को डेडलाइन दी है? नहीं मैं वही तो कह रहा हूं, कहां से आपको कहां से पता चला? मीडिया में जो चीज आया, मीडिया में कहां से आई? मैं वही चीज मतलब आप लोगों को ये लगता है कि आपने नहीं सुना, देखिए एक तरह से लोगों को ये लगता है जितना भी पहले के घटनाक्रम होते थे प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल
राजभवन का होता था सामने में होता था, इस मामले में वो चीज नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से सामने में आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या ये निश्चित बताना जरूरी है जब मीडिया में सारी बातें आ गई कि 30 तारीख तक होना है? दूसरा, मीडिया ने सवाल गवर्नर से जाके क्यों नहीं किए? क्या गवर्नर ने मीडिया के दरवाजे बंद कर दिए थे? दूसरा, आदरणीय संजीव कौशिक जी कह रहे थे कि रात के अंधेरे में हुआ, कि रात के अंधेरे में काम देश चलता नहीं है क्या? क्या पहला ऐसा एग्जाम्पल है कि रात के अंधेरे में काम नहीं हुआ? और दूसरी बात सुन लीजिए, शिवसेना, अरे सुन लीजिए ना, मेरा आ रहा है, शिवसेना शिवसेना मिलने गई, बिल्कुल हुआ होगा, वो हुआ होगा, यदि हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उस पर गवर्नर के आदेश पर, गवर्नर के आदेश पर निश्चित तौर पर। दूसरी बात सुनिए, सुनने का भी रखेगा, सुन लीजिए ना, दूसरी बात, गवर्नर गवर्नर साहब ने जो आदेश किया है जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कर ली, आप ये बताइए शिवसेना दिन में गई थी मिलने के लिए गवर्नर से? एनसीपी के नेता दिन में मिलने गए थे गवर्नर से? सब शाम को 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास मिलने गए हैं। दूसरी बात यार, सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ है सारे, सुन लीजिए संजीव जी, फिर आपका नंबर आएगा जी। अधिकतर यदि गवर्नर न्योता देता है सरकार बुलाने के लिए, तो ये मुख्यमंत्री का तय होता है कि मैं शपथ कब लूंगा। क्या गवर्नर तय करता है क्या कि मैं कितने बजे किस तारीख को जाऊंगा? हो सकता है बीजेपी ने तय किया हो हम सुबह 8 बजे शपथ लेंगे, तो इसमें गवर्नर की भूमिका कहां से आ गई? शासन हटाने के लिए गवर्नर साहब राष्ट्रपति को देते पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ की। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ यार, गवर्नर ने अक्रम साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यदि इसमें कहीं गलती हुई होती तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आज राजभवन को घेरा होता, ठीक है? दो सवाल ऐसी स्थिति नहीं आई जी, दो सवाल आप बताइए, कहां गवर्नर ने ये सूचित करा कि यहां से राष्ट्रपति शासन हटना चाहिए, कितना वक्त लगा? गवर्नर मैं वही कह रहा हूँ, रूल नंबर 12 जल्दी करोगे, जल्दी डिसीजन लोगे तो बहुत जल्दी क्यों कर दिया? अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो इतने दिन लग जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये जल्दबाजी में यदि कोई हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? राष्ट्रपति और दूसरी बात, संजीव जी आपके विधायक सभी हुए एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, क्या हो रहा है? सभी हुए आपके विधायक, देखिए हमें राज्यपाल का जो पद होता है वो तो संविधान ही पद, क्यों नहीं कमेंट कर सकता है? समीक्षा क्यों नहीं होगी? यदि गवर्नर ने गलत किया तो समीक्षा होगी, संवैधानिक दायरे से बाहर हटके गवर्नर ने काम किया तो समीक्षा होगी, क्यों नहीं होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा उसकी, मनोज जी मैं और दूसरी बात सुनिए, यदि गवर्नर ने कुछ भी किया उस तरीके से, एनसीपी के नेता थे, उनके भतीजे थे उस समय, समर्थन पत्र दिया, उसके बाद परिस्थिति हुई है, वो गलत है। अब संवैधानिक दायरे के हिसाब से अब गलत है, तुमने विधान दल का नेता किसी को चुन लिया, जयंत पाटिल को चुन लिया, अब डिसीजन ले जयंत पाटिल, लेकिन जिस समय डिसीजन लिया गया है उस समय संविधान और पार्टी के संविधान ने अधिकार उनको दिया पत्र देने का, तो इसमें कौन सी चीजें गलत हो गई? अब आगे जाकर के आपका जो ट्रेंड हो रहा है, आप बताइए शिवसेना ने सुबह 11 बजे कहा कि हमारे पास 160 है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं आप 154 है, आप खुद शिवसेना समीक्षा नहीं कर पा रही है इस बात के लिए? संजय जी सवाल यहाँ पर ये कि कितने विधायक हैं आपके पास जो बहुमत की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं विधायकों को, पहले आप अपने नेताओं से आगे के तो पूछ लीजिए कितने विधायकों के पत्र आपके पास। फैसला सुनाता है, ये देखना होगा किस तरह से प्रक्रिया होगी। संजीव जी टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? आपके विधायक तैयार हैं? क्यों एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं अपने विधायकों को? मजबूती नहीं दिख रही है? तैयार नहीं है,
शिवसेना शिवसेना आधार कार्ड लेके बुलाती है अपने विधायकों को, शिवसेना कहती है कि 5 दिन के आप कपड़े लेके आइए। आप शायद जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कहीं कहीं विधायक ना टूट जाए, आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन विधायकों पर भरोसा नहीं, कभी आधार कार्ड कपड़े और अपने फोटो से दूसरे होटल में। अक्रम जी आपके विधायक मजबूत है, आप बोल रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए ना आपको, तो मुझे लगता है कि विधायकों पर भरोसा है, लेकिन बंद करके इससे डरावना क्या हो सकता है। कर्नाटक में आपने क्या आप हमें चोर उचक्के, अरे आपके लोग तो बलात्कार ही जेल में नहीं जा रहे, आपके व्यापक घोटाले बाद जेल में नहीं जा रहे, आप देखिए ना सरकार किसकी है, ईमानदारों को जेल में डाल ली है। अरे आसमान देखो, उत्तर प्रदेश में तमाम कहता है जगदम्बा पाल को रात को शपथ दिला दी थी, पत्र थे क्या उनके पास? आज ये कह रहे हैं, ये मैं सारी राजनीतिक पार्टियों का कह रहा हूँ, मैं सारी राजनीतिक पार्टी भारत के इतिहास में जगदम्बा पाल के साथ हुआ नहीं हुआ, इस फिर किसने किया, किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी उस समय, इस तरह का सारी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं बीजेपी का प्रश्न कर रहा हूँ, हर राजनीतिक पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और गवर्नर के लिए आप ये बताओ संविधान के रचयिता कांग्रेस मानते हो अपने आप को? संविधान तो लूपहोल क्यों छोड़ रखे हैं गवर्नर का, गवर्नर के अधिकार में आपने लूपहोल क्यों छोड़ रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बेईमानी करने वाला हर कानून का दुरुपयोग कर लेता है, तो बेईमानी सिखाई किसने आपने सिखाई? चले कानूनी तौर पे समझ लेते हैं जी, भाई जिस स्कूल में सब पढ़े हैं उस स्कूल को तो आप ही लोग चला रहे थे, पहले संविधान में संशोधन कर दिया जो संविधान में हम प्रोटेक्शन देके गए थे भारत पेट्रोलियम, किस तरह का आप बंदरवाट कर रहे हैं आप खुद देखो ना। चलिए प्रमोद जी के पास, संविधान को मानना है आप, चलिए प्रमोद जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। प्रमोद जी अब वो तमाम दलीलें रखी गई हैं, हालांकि अब कल कोर्ट 10:30 बजे जो है वो फैसला सुनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या विधानसभा का जो झंडा है वो अब कोर्ट तय करेगा, तो किस तरह से जो भूमिका है वो इस फैसला भा सकता है कोर्ट? देखिए कोर्ट का एक सीमित लिमिट है, उसका एक पेरीमीटर बना हुआ है जी जी, और वो पेरीमीटर के केवल सर्कमफ्रेंस में ही चल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुकुल रोहतगी साहब जो आर्गो किए और वो आर्टिकल 361 पे फोकस किए थे, उसमें ये बताए कि देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि एक संवैधानिक पद है जो गवर्नर का, उसके जो प्रेरोगेटिव है जो डिस्क्रेशनरी पावर है उसमें क्या इंटरफेरेंस कर सकते हैं, तो उसका एक देखिए लिमिटेशन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल ये कह सकती है कि आप जो 7 दिसंबर का मांग रहे हैं उसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, और वो भी इसलिए रिड्यूस करेंगे क्योंकि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा गुंजाइश है और वो पब्लिक में मैसेज गलत जाती है, वहां पर इलीगलिटी है, हॉर्स ट्रेडिंग इज ए काइंड ऑफ इलीगलिटी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का है कि कोई भी इलीगल को सुओ मोटो लेकर के उसको एक पर्दा रख देना, उसको इस तरह का बढ़ावा नहीं देना होता है, तो इस पे केवल एक सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन बाकी का जो शेष चीज है वो डिपेंड करता है आफ्टर ऑल जो फ्लोर ऑफ टेस्ट पे जो उसमें आएगा, उसके लिए एक नियम बना हुआ है, उसके लिए विधानसभा बना हुआ है, विधानसभा के लिए जो पहले विधायिका जो है जो विधायक है वो पहले शपथ लेंगे, तो माना जाए कि प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल देखिए उसमें है, लेकिन अभी जो कुछ बातें आ रही है ना, जो सारे लोग एक दूसरे के दोष दे रहे हैं कि उसने गलत किया तो हमने ज्यादा गलत किया कम दे दिया, देखिए ये क्लियर हो गया है कि हमाम के नीचे सारे नंगे हैं, सारे पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे का केवल खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, अब पूरा का पूरा बाजार का अड्डा बना दिए हैं, सब मछली बाजार बना दिए हैं, तो ये कोई एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं वो ज्यादा अच्छा होगा, अल्टीमेटली इसके लिए एक लॉ फर्म की जरूरत पड़ेगी, ये इनका काम है आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल देखिए दो चीजें आई है मैडम, तो फिर जनता के बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इनको खेल, और ये सियासी ड्रामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, और अब सबकी निगाहें
दुहाई टिकी है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि मंगलवार 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जहां तीनों दल ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, तो वहीं बीजेपी ये मांग कर रही है कि कुछ और समय यहां पर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उन तमाम दलीलों पर जो आज सामने रखी गई है, उसी पर जो है फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हम चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है वो किस ओर जा रहा है, क्या दोबारा चुनाव की स्थिति बन रही है, आखिर जो जनादेश सामने आया था उसके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, और ये जो ड्रामा है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। अक्रम जी, आपने प्रमोद जी की बातें सुनी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप आप लोग लगा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट अपना फैसला जरूर देगा, और फ्लोर टेस्ट पर भी क्या आता है फैसला वो भी देखना होगा। लेकिन सवाल यहां पर ये भी खड़ा हो रहा है कि आप आखिर किस एजेंडे के साथ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, क्या सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग का आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही कि सिर्फ उसका आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं कि हस्ताक्षर गलत है या नहीं है, तो आपकी तरफ से कौन से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कोर्ट में? देखिए, कर्नाटक के अंदर इसी तरीके से येदियुरप्पा जी की सरकार बना दी गई, कश्मीर के अंदर देखा कि पहले तो उनके साथ पीडीपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन जब वो गठबंधन टूट गया और उसके बाद जब कांग्रेस और वो समर्थन देकर सरकार बनाने जा रहे थे तो वहां पे विधानसभा भंग कर दी। तो इस तरीके का ये सत्ता का दुरुपयोग, ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मान लो जी अजीत पवार साहब के साथ 12 विधायक हैं भी, तो क्या इनका हो जाता है बहुमत पूरा? आप देख लीजिए बिगर खरीद फरोख्त के किस तरह से ये हो सकता है। और 14 दिन का जो समय मांग रहे हैं वो ये बताता है इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ जी हम नहीं कर पाएंगे, 14-15 दिन का खरीद फरोख्त का टाइम चाहिए। ये सारी चीज तो साफ नजर आ रही है ना। देवेंद्र जी, आप चर्चा में हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। देवेंद्र जी, क्या जवाब देंगे आप अक्रम जी के सवाल का? वो कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त के लिए समय मांगा जा रहा है, फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं। आशीमा जी, एक बात हास्यास्पद लगती है कि आज कांग्रेस जो बात आ रही है उनकी बात है, वो कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट रखे, विश्वास रखे, और वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कम से कम उन्हें इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि डिसीजन आया नहीं है और उससे पहले ही उन्होंने अपना उसका बचाव करना शुरू कर दिया। हम तब भी शांत थे, आज भी शांत है, और हमेशा शांत रह के अपनी शांति से सब काम करने के मूड में हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, जिस दिन जनादेश के माध्यम से और जो समर्थन पत्र जिस तरीके से हमने कोर्ट में दिया, हमें टाइम दिया जाएगा 24 घंटे दो या 30 तारीख दो या अदर्स कोई और डेट्स दें, उसमें हम ये बहुत आसानी से साबित कर देंगे। और रही बात कर्नाटका या कहीं औरा की बात या जहां की हमको बता रहे हरियाणा की, तो कम से कम अपने गिरबा में झांक कर हम पे उंगली उठाएं तो अच्छा रहेगा। मेरा मेरा एक और तर्क है कि कांग्रेस जो है, कम से कम माननीय अभी अपने सारी दलीलें आप सुन रहे हैं, वहां वरिष्ठतम वकील हैं, कई बार सबने अपनी अपनी दलीलें दी और मीडिया ने उसको क्लियर भी किया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी आज तक जो उंगलियां उठा रहे हैं वो तीनों दल, अब तो पहले माननीय राज्यपाल जी के पास क्या इकट्ठा होकर गए थे? हमने वहां देखिए, वहां सारी दलील के अनुसार भी बोल रहा हूं, जो लेटर दिया है वो उन्हीं का, पवार साहब का है। अब अजीत पवार, शरद पवार, दोनों पवार, जिसके पास जो ताकत है उसका उन्होंने काम किया। हमें कहने की क्या जरूरत है? ये आवाज जरा क्लियर हो, इनसे कहें शांति से बात करें, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, आराम से अपनी बात रखें, हम जवाब देने के लिए आए, क्वेश्चन करने के लिए नहीं आए। आप आसानी से क्वेश्चन करें, बड़े आराम से आपको जवाब दिए जाएंगे, तर्क के साथ दिए जाएंगे। देवेंद्र जी आपको बोलने का, वो कह रहे हैं कि आराम से बात कीजिए, आप आराम से, घबराओ नहीं, हतोत्साहित नहीं, सरकार बन चुकी है 5 साल के लिए, वो जो भी डिसीजन आएगा वो माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको समझ ही आएगा। सवाल यह है कि जब हम ऐलान कर चुके थे कि हम तीनों दलों की सहमति बन गई है, उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, फिर रातों रात क्यों आपने ये घटनाक्रम तय कर दिया, आशीमा जी का इंतजार क्यों किया? और आप यहाँ पर अभी आपसे पहले मनोज पंडित जी बैठे थे, वो कहते कि क्यों रात में काम नहीं हो सकता है, तो क्या सिर्फ वही रात आपको याद आया कि हमें काम करना है, बाकी जो रातें गई 1 महीने से उसमें आपको याद नहीं आया कि काम करना है, बहुमत है आपके पास, सरकार चाहिए महाराष्ट्र की जनता को? देवेंद्र जी आपसे सवाल है। आशीमा जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा जी कि वो बार बार जिस चीज को चिल्ला रहे हैं कि हमने तीनों ने ये चीज कही कि हम सरकार बना रहे हैं,
फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दलीलें भी आ गई हैं कोर्ट में, आपने सारा देखा भी है। अगर आप बनाने वाले थे तो आपके पास एक महीना प्लस कुछ दिन ऊपर चले गए आप सुनो ना, साफ करने से कुछ होता है क्या? कुछ होता है कोर्ट में, अगर आप कोर्ट में गए तो आप तैयार होकर जाना चाहिए था। बहुत आप अभी तो आपको 24 घंटे तो जाने में लगे, कोर्ट तो कोर्टियर माननीय वो तुम्हारे लिए नहीं होता, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि रात को बारह बजे खुलवा लेंगे। टाइम से खुला है कोर्ट, टाइम से खुला है कोर्ट, अपना काम कर रहा है, ना कोर्ट में कोई आक्षेप है सरकार का। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, टाइम सुप्रीम कोर्ट से टाइम मिलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से टाइम मिलेगा तो ठीक है, और ना मिलेगा तो जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। देखिए सवाल कोर्ट पे नहीं है, सवाल है राज्यपाल की जो कार्यशैली है उस पर। क्या राज्यपाल ने कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा को विदाउट बहुमत के शपथ नहीं दिलाई थी? और क्या फ्लोर टेस्ट में वो फेल नहीं हुए थे? उसके बाद उन्हें रोके वहां से निकलना पड़ता पार्लियामेंट से? क्या इस तरह का नहीं हो रहा है? विदाउट हॉर्स ट्रेंड के कैसे ये बहुमत सिद्ध कर सकते हैं? ये कर्नाटका पे डिबेट है या महाराष्ट्र? आप सुन लीजिए ना, आप युद्ध आप ही कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप जब आप बोलने में खामोश था ना, 12 अगर अजीत पवार के 12 विधायक हैं, ऊपर आपके विधायक मिलकर कैसे समर्थन हो जाएगा पूरा बताइए आप? ये हमारा काम है ना, हमने जैसे लेटर कैसे होगा बताइए ना, तुम्हें पूछ के थोड़ी लेटर देना है तो कैसे होगा देश को बताना पड़ेगा ना। हमने माननीय राज्यपाल को लेटर दिया, समर्थन पत्र दिया राज्यपाल, तो अगर राज्यपाल आपके फैसला ले रहे होते तो जाना होगा आपको जिस दिन राजभवन जाके अपना समर्थन पत्र। यही माननीय राज्यपाल है जो कहते थे हमारी फैक्स मशीन खराब थी आज, इसलिए हमें बहुमत का लेटर नहीं आ पाया। देवेंद्र जी, कांग्रेस सरकार बनाई जाती है तो देवेंद्र जी बहुमत की बात तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सबको थोड़ा ना बता के करेंगे, हमें जो करना होगा हम करेंगे। लेकिन जो ये तीनों दल दावा ठोक रहे हैं कि जो हमारा समर्थन पत्र वाली सूची है वो सही है, लेकिन जो अजीत पवार ने किया वो गलत, आखिर सच्चाई कहां है? सच्चाई कहां है? सही कौन सी सूची है? जनता भी अब सवाल कर रही है। दावा आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से, पूरा देश जानता है कि जो तीनों दल एक हुए उनके कितनी मन की जो बात एक अंदर सक मिलती है। या भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने देता हूँ, देखिए प्रमाण है, हमारा प्रमाण है कि अजीत कहते थे हमारी सरकार बनी तो जेल की सलाखों में चक्की पीस। अभी हमारी बात सुन लीजिए आप, आज आपकी अजीत के बारे में हम बोलने जा रहे हैं, हमें माननीय अजीत पवार की पार्टी का समर्थन 2014 में भी मिला था, बाहर से समर्थन मिला था हमें, लेकिन हमने फिर भी अपने दल का ध्यान रखा और हम धन्यवाद किया था उस समय भी, आज भी धन्यवाद करते हैं हम। आज भी अजीत पवार जी का धन्यवाद करते हैं कि बिगर मांगे उन्होंने बिगर से शर्त बाहर से 2000 जब हमारी सरकार वहां बन रही शर्त थी रखने की, अपनी मर्जी से दिया और लोकतंत्र के हित में दिया है और महाराष्ट्र के विकास का ही दिया है। लेकिन सर ठीक है, वो बिना किसी शर्त के, कुछ तो ही देखा होगा अजीत पवार ने कि वो अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर आपको समर्थन दे रहे, कुछ तो हित देखा होगा देवेंद्र। चाचा भतीजे की अगर कहानी देखो तो अजीत पवार बहुत स्ट्रांग है, अच्छे हैं, अपनी जगह बिल्कुल है, कहीं विरोध नहीं किया, कोई गलत नहीं बोले, कोई बयान नहीं दिया, पार्टी से कुछ नहीं किया उन्होंने, वो कहीं से भी कहीं तक उनकी उस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को देखते हुए महाराष्ट्र का जो समर्थन उन्होंने देखा सरकार बनने के लिए, ओपिनियन जो पोल आया आपके मीडिया के माध्यम से, 80%+ जनता चाहती थी कि सरकार महाराष्ट्र में बने, इस वजह से उन्होंने सरकार को साथ आपने क्यों नहीं किया सरकार बनाने का काम। चलिए संजीव जी का सवाल सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए कि शिवसेना भी कह रही है कि हमारे जो भी विधायक हमारे पास है, ऑलरेडी कांग्रेस कह रही है यही बात और एनसीपी भी कह रही है, आपके पास ये जो संख्या बार बार आप बता रहे हैं कि समय आएगा दिखा देंगे, ये कहाँ से दिखाएंगे? कौन सा आपके पास इसका फॉर्मूला है? ABC सुनते हैं, बहुत सारे सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे आप इकट्ठा करेंगे? और आप नहीं रख रहे अपने विधायकों को होटल में? संजीव सर इसमें क्लियर करेंगे, हम बताएंगे जी, बताएंगे ऑपरेशन लोटस चलाया है ना, देखिए देखिए नहीं, मेन सवाल यही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिना तोड़ फोड़ के कैसे कैसे आप बताइए, लोटस है ना राहुल जी, आप बताइए, आप परेशान हो रहे हैं, परेशान होने ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने इसलिए रखा है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे ये लोग, आप बताइए रास्ता बताइए या देश की जनता जानना चाहती है, बताइए। मैं इसमें क्लियर करता हूँ, बताइए, ये राजनीति है और महाराष्ट्र की जो उठापटक है वो आप सब देख रहे हैं, इसमें किस पार्टी को आप जो है
कहां से कहां जुड़ना पड़ा। यहां आदमी को देखना है कि शक्ति होने के बाद, मैं फिर आपको महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी ताकत की गद्य पद में बात नहीं, जो हमारे बताइए संख्या कहां से लाएंगे, उनसे भी हम दुगने में, कहां से तोड़ेंगे, उनसे भी ज्यादा समर्थन हमारे पास है। अरे सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है संजीव सर। अरे नैतिक की बात, वहां आप सरकार बनाने, वहां एक लोकतांत्रिक सरकार देने का काम करें और जनता के हित में जो डिसीजन है उस डिसीजन बनाने वाले अलोकतांत्रिक। और रही बात आप समर्थन की बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे फिर यही बाय रिक्वेस्ट बोल रहा हूं कि आप इंतजार कीजिए, आप डेट आने दीजिए, तो हम समर्थन कर रही है, हम राजभवन में समर्थन साबित भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, और सरकार को 5 साल चलाने की गारंटी है। यदि विपक्ष कह रहा है कि हम नहीं साबित करेंगे, करने देंगे, और आप कह रहे हैं हम साबित कर देंगे, वो विपक्ष कैसे वो बता रहा है, जैसे आप भी बता दीजिए, वो विपक्ष का काम है, विपक्ष किसी भी तरीके से कहे। आपने देखा नहीं हमारा लेटर, आपने देखा नहीं कि हमारे पास 100 जो हम 70 की बात कर रहे हैं, आपके साथ है, आपके पास है वो विधायक, बिल्कुल आप आने तो दीजिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, तो ये इसीलिए समय मांग रहे हैं जो विधायक, सुनिए संजीव सर मैं क्लियर हूँ, विधायक की बात आपने उठाई, अच्छी उठाई। एक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका विधायक स्वतंत्र घूम रहा आज की तारीख में, अन्यथा सब पार्टियों ने अपने विधायकों को होटलों में कैद कर दिया है, सुरक्षा में कैद कर दिया है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, भरोसा नहीं है, वो बात करते हैं कि कैसे, अगर आपके नहीं है तो वोटिंग कैसे आपके कहना चाहते हैं, हमारे विधायक आप पता लगेगी आपको अपनी औकात का। अरे जितने दिन का टाइम मिले विधायक को फ्री छोड़िए, वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि मैडम, इसमें एक क्या डर है उनको, एक बड़ा लीगल मुद्दा आ रहा है जी जी, क्योंकि अभी देवेंद्र जी ने बहुत ही अहम सवाल ये किए हैं। देखिए विधायिका के अंदर में सबसे बड़ी चीज होता है कि जब विधायक निडर नहीं होंगे और वो भय आक्रांत होंगे, आज सारे पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा क्या सर्कमस्टांसेज हो गया है कि होटलों में या रिसोर्ट में उनको बंद करना पड़ रहा तो है, वो अपने नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ सर, एक मैं बता रहा हूँ, फिर आप ये होटल हो रहा है, एक महीना से हो रहा था, आज मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर आना होगा। देखिए हमारा अल्टीमेटली जो है न्यायपालिका और सब कुछ के समाज में बैलेंस चले, इसका देखने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को, ऐसा नहीं लगता मैं कंप्लीट कर देता हूं सर जी। उसके बाद आज जो है दो चीजें खुल करके आई है, एक तो कि जो विधायक हैं वो डरे हुए हैं, उनको एक एक पार्टी जो है बंद कमरे में जैसे बंधक बना के रखते हैं, कुछ लोग किडनैप हो गए, दूसरी तरफ जो एक आ रहा है कि विधायकों से इलीगल जो है वो हस्ताक्षर लिया गया। एक चीज बताइए, जब विधायक होकर के इस तरह से आप ब्लैंक पेपर पर साइन कर दीजिएगा और इलीगल काम करवाइएगा, कुछ लोग कर रहे हैं किडनैप, ये मीटिंग का हम केस करेंगे, तो ये बड़ा ही शर्मनाक घटना है, और ये दोनों मुद्दों पर आगे इस तरह का घटना ना हो, क्योंकि इस तरह का घटना जो महाराष्ट्र में हुआ है आप देखेंगे कि कर्नाटका में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय से एक निवेदन करूंगा एज ए विंग एडवोकेट एंड पार्ट ऑफ जुडिशियरी इन सुप्रीम कोर्ट, कि क्योंकि आज समय वो आ गया है कि इस मुद्दे को हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया जाए और इस तरह का एक लीगल डायरेक्शन दिया जाए, जिससे कि कल होकर के कोई भी विधायक डरे हुए ना रहें, उनको बंधक ना बनाया जाए और किसी तरह का उनको इलीगल मींस किसी तरह का नहीं किया जाए और किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए ये केवल सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है, ये जब आप ये हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो उसमें भी होता है एक नियम बना हुआ है कि आप किसी तरह का खर्चा ज्यादा नहीं कीजिएगा, किसी से जो है गलत आप नहीं लीजिएगा, तो इसमें तो क्लियर आ रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का और सब कुछ का जो है आपको लोभ दिया जा रहा है पार्टियों को, आपका ये दे रहा है कि नहीं जी इतने हमारा अध्यक्ष रखो, ये मंत्री रखो, तो ये सब सारी चीजें हैं जो दैट इज द पार्ट ऑफ द हॉर्स ट्रेडिंग है। इसको सर्वोच्च न्यायालय एक गाइडलाइन दे और इन फ्यूचर में हमेशा के लिए
किसी स्टेट में ना हो। और अल्टीमेटली देखिएगा ये सब होने का कारण जो होता है वो जनता वहां पीस रही है। आज महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, किसाने पर हो रहा है, लेकिन ये लोग जो विधायक हैं बड़े बड़े रिसोर्ट में बड़े बड़े होटलों में ऐश कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह का जो है आप प्रजातंत्र का मजाक मत उड़ाइए, इसको एक लॉ फ्रेम में बांधिए, क्योंकि जब विधानसभा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ जनता वहां लॉ के अंदर में कहां से होगा। और इसमें डायरेक्शन देनी चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि कल का शायद ऑर्डर जो होगा तो उसमें केवल ये फ्लोर टेस्ट का टाइमिंग नहीं होगा बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सा गाइडलाइन इसके लिए कि आप किस तरह से जो है एक लॉ के अंदर में जो रह करके एक विधायक अपने जो है ताकत का और अपने जो है पावर का अपने राइट का कैसे इस्तेमाल करें और उससे जो है जनता को एक अधिकार सुरक्षित हो। जितनी आसानी से आप ये बात कह रहे हैं, आपको पता नहीं है कि महाराष्ट्र की बात छोड़ दे तो अन्य कई स्टेटों में जिस तरह से राजनीतिक और लोगों का गला पकड़ के जिस तरह से सरकारें बनी वो किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं संजीव जी। तो ये जो चर्चा है इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। यही सवाल है क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है, जहां शिवसेना कांग्रेस एनसीपी ने अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिया है तो वहीं बीजेपी बहुमत का दावा कर रही है। लेकिन इस दावे के पीछे क्या आधार है और कल जिस तरह से फैसला आएगा क्या तमाम दल वाकई बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं? चर्चक पर हम एक बार फिर से रुक करते हैं। देवेंद्र जी, अब जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, हालांकि कल क्या फैसला आता है सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं इस बीच एक बड़ा ऐलान किसान कार्ड का खेला जा सकता है आप लोगों की तरफ से, फायदा इसलिए आप ये ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए आसिमा जी, मैं तो पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ और अब भी वही बात है मेरी, तो कि हमने जो है लोकतांत्रिक तरीके से सब चीज़ करना है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आगा उसके आगे जाकर नहीं कुछ भी ऐसा करना कि जिससे कोई हमको जनता के बीच में सफाई देनी पड़े। आप आने दीजिए, सम्मान करते हुए जो भी लोकतांत्रिक तरीके से बनेगी सरकार, जो बहुमत का टाइम मिलेगा तो बहुमत साबित करने का काम हम सब लोग करेंगे और मिलकर करेंगे जैसे मिलकर हमने सरकार बनाई है। बिल्कुल सुनील जी, आप क्या कहेंगे फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? अब हालांकि कल पूरा मामला है लेकिन बहुमत को जो दावा यहां पर किया जा रहा है, सच्चाई आखिर दिख कहां रही है? क्योंकि दलीलें तमाम दल यहां पर रख चुके हैं और उन्हीं दलीलों के आधार पर कल फैसला भी आ जाएगा, लेकिन आप क्या आधार मानते हैं, सच्चाई कहां पर है, आखिर कौन सा पक्ष सच बोल रहा है फिलहाल की स्थिति? जिस अपेक्षा के साथ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था वो अपेक्षा तो अब रही नहीं, क्योंकि विपक्ष की ये भूमिका थी वहाँ जाने की कि कम से कम 24 घंटे में ये बहुमत सिद्ध करें। वो तो निकल गया समय, 24 घंटे 48 घंटे निकल गए, कल क्या डिसीजन देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस आशा के साथ विपक्ष गया वो तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो फ्रॉड टेस्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होगी, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि शिवसेना के करीब 17 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के थे और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने इलेक्शन को पास किया है। तो वो कई बार उन चीज़ की वो भी निकल के आए, उनके बयान भी आए कि नहीं नहीं बीजेपी के साथ हम सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, बनाना चाहिए, तमाम चीज़ें उनकी तरफ से आई थी लेकिन वो दबाव के कारण रोक दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को वो विश्वास होगा कि वो वोट शायद हमें करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, देखो 13 विधायक इनके पास निर्दलीय हैं और 16 विधायक अन्य छोटी छोटी पार्टियों के हैं, तो उसमें से भी ओबीसी के 3 विधायक निकाल दिए जाएं तो 13 फिदर वहाँ मिलते हैं, 13 और 26 हो जाएंगे और 5 131 के आसपास जो हो गए, इनको जरूरत पड़ेगी केवल 13 या 14 विधायकों की। चुनौती तो है ही। हाँ बिल्कुल चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निश्चित चुनौती है। बिल्कुल संजीव जी, आपसे भी एक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगी, विधायकों की यहाँ पर बात हो रही है लेकिन कौशिक जी ने तो जिस तरह से आंकड़ा गिनाया मुझे लगता है कि प्रमुख जी खुश हो जाएंगे, अब बच गई सरकार और बन गई सरकार। लेकिन ये कहना जितना आसान है शायद फ्लोर पे ये साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जितनी आसानी से आप सोच रहे हैं कि शिवसेना के वो विधायक जो एक ही चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं वो वापस आ जाएंगे या आपके साथ आ जाएंगे, यदि इस तरह की बात होती तो मजबूती के साथ आपके साथ खड़े दिखाई देते वो, या फिर जिनकी बात वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें से भी एनसीपी में के भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ में आएंगे जैसा कि भरोसा है, यदि भरोसा की बात होती तो फिर वो आज जो आंकड़े दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के द्वारा वो आंकड़े कहीं मेल नहीं खाते। तो ये कहना बहुत आसान है, आसानवित हुआ जा सकता है, जाहिर सी बात है कि सरकार एक बार जब गठन हो जाए तो उसको बचाने के लिए सारी कवायदें की जाती हैं, आपने भी देखा और हमने भी देखा है, और जहां केंद्र में भी सरकार हो वहां भी राजभवन भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, वहां पे भी सरकार आपने गठन कर लिया हो,
तो जाहिर सी बात है वो आसान बाकी लोगों की अपेक्षा तो है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो समीकरण दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कल के बाद ऐसा भी नौबत हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता को देखने को मिले या फिर देश की जनता देखे कि अचानक वो इस्तीफा दें इस तरह की फजीहत से बचने के लिए। बिल्कुल प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दलीलें रखी गई हैं और कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट करना स्पीकर की जिम्मेदारी है, कोर्ट की क्या जिम्मेदारी, तो उसके तहत कल क्या फैसला हो सकता है अनुमान के तौर पर? देखिए, हमें जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल टाइम को रिड्यूस करेगी, वो इसलिए करेगी कि इसके पहले भी करते आई है जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसके बियॉन्ड में जाएगी। जहाँ तक के क्वेश्चन उठाए थे मुकुल रोहतगी साहब ने, मनिंदर जी जो एडिशनल एएसजी हैं, तो उन्होंने कहा कि 361 पे, तो मैं समझता हूँ 361 के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजना पड़ेगा उसको, और इतना टाइम है नहीं, उसमें टाइम लग जाता है बहुत, फिर जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लेना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में जो हालात जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसके लिए वो केवल सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि ये आप 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर में, वो 48 घंटे से ज्यादा का टाइम कल नहीं देगी, वो कहेगी कि आप जो फ्लोर का जो वहां टेस्ट का जो प्रोसीजर है उसको एडॉप्ट कीजिए। अब ये देखने वाली बात है कि क्या उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट प्रोटम स्पीकर के बारे में वो बताती है कि नहीं, क्योंकि ये प्रेयर क्लाउज में नहीं है, प्रोटम स्पीकर के बारे में और कुछ नहीं है, केवल जो प्रेयर क्लाउज है उसमें ये था कि आप फ्लोर टेस्ट को जितना जल्दी हो 24 आवर के अंदर में करवाइए। अब ये सुओ मोटो लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद यदि दे देती है, क्योंकि अब ये सारा का सारा पेंच जो फंस रहा है वो प्रोटम स्पीकर पे आएगा और स्पीकर पे आएगा, क्या होगा बिल्कुल, और स्पीकर जिसका रहेगा गेम उसके पल्ले में आएगा। और अभी देखिए कहना बड़ा ये है, चलिए तो कल साफ हो जाएगा कि गेम किसके पल्ले में आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे बीच आने का और अपने सवाल जवाब यहाँ पर देने का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र की जनता को कब सरकार मिलेगी।